बिहार के मगध रीजन में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल समेत 5 जिले आते हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे गया और जहानाबाद की। यहाँ के ज्यादातर वोटर शिक्षा, रोजगार, सिंचाई परियोजनाएं, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। गया के वोटर इलाके की बदहाली से दुखी हैं। उनका कहना है कि यहाँ रोजगार के मौके बहुत कम हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों की बेहद कमी है। तो ये मुद्दा केवल और केवल विकास का है और विकास के बारे में केंद्र की क्या नीतियाँ रही हैं या क्या उनके प्रस्ताव हैं, वोट का आधार किसी के लिए थी? जनता के लिए। बाकी सारे जो मुद्दे हैं वो उससे प्रभावी नहीं होंगे, विकास का मुद्दा होगा। और जो बातें, जो भी पार्टी विकास का विषय लेकर के सामने आएगी, वोट उसी को मिलेगा। यहाँ पर रोजगार के लिए अगर देखा जाए तो लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर लोग तरक्की कर पा रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर लोगों के लिए कोई ऐसा कुछ स्कोप नहीं है जो वो यहाँ पर कुछ अर्न कर पाए। यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग गया में भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, कॉलेजेस या फिर जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट वगैरह होनी चाहिए या कॉलेजेस वगैरह, जैसे एम्स मेडिकल के लिए लोग जा रहे हैं या फिर बीटेक करने जा रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हैं। गया को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और बोध गया को अहम बौद्ध तीर्थ स्थलों में शुमार किया जाता है। जिले में बड़े कारखाने ना के बराबर है, जिससे लोग रोजी रोटी के लिए दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर है। कॉरपोरेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग धंधा ऐसा नहीं है जहाँ हमारे कंस्टिट्यूंसी के लोगों को रोजगार मिल सके। नतीजतन पढ़े लिखे युवा भी इस कंस्टिट्यूंसी से माइग्रेट करते हैं, दूसरे राज्यों या दूसरे देश का सहारा लेते हैं और अपने कला कौशल से वो दूसरे राज्य और दूसरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कंस्टिट्यूंसी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में लंबित सिंचाई परियोजनाएं बड़ा मुद्दा है। खेती बाड़ी यहाँ के लोगों की कमाई का बड़ा जरिया है, लेकिन अधूरी परियोजनाओं से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है और हेंगुआ नाला से फल्गु से पानी यदि जमुने नदी में दिया जाए, दरधा को जोड़ा जाए, पुनपुन को जोड़ा जाए, तो हम समझते हैं कि किसान के वाटर लेवल ऊपर होगा और लोगों को माने सिंचाई करने में सुविधा होगा। तो उपज यदि होगा और उपज का यदि सही दाम सरकार दे दे तो किसान कुछ हद तक संपन्नता उसको आएगा। वोटर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से भी परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो कहीं भी हम समझते हैं कि मोर देन 80% आबादी के लिए सही शिक्षा व्यवस्था आज भी है, चाहे वो नीचे की शिक्षा हो या उच्च शिक्षा के बाद। तो हमारे लगता है कि यहाँ पे सरकारी स्तर पर भी और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर शिक्षा एक गंभीर विषय है, इस पर काम हो, इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। सबसे पहले बात तो पहली बात है ये हम लोग का जो एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट का है सदर हॉस्पिटल, इसकी बात की जाए, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जिले भर के मरीज यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा और बढ़ाने की जरूरत है। बिहार लोकसभा में 40 सांसद भेजता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई में होने की उम्मीद है।